गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष, संतोष श्रीवास्तव। आज का हमारा जो एडिटोरियल है, उस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले ये जो कोट ऑफ द डे है मैंने जोड़ा हुआ है, हम इसे पढ़ लेते हैं। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी इंसान को प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, नॉट परफेक्शन, न कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए। बिकॉज नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड विदाउट गॉड, और यू कैन से बिसाइड्स गॉड नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, और इस संसार में ईश्वर नहीं रहता। इट मीन्स कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो बच्चों, आप मेहनत करें, हमेशा प्रोग्रेस करने की कोशिश करें, प्रोग्रेस करने के लिए संघर्ष करें, न कि परफेक्ट बनने के लिए कोशिश करें, ठीक है। चलिए, आज का जो एडिटोरियल हमारे सामने है वो ये है। ये एडिटोरियल है ऑफकोर्स वास्तव में ऑन कावेरी वाटर इशू, यानी किससे इस पर है ये, कावेरी के जल के मुद्दे पर, यानी जो नदी है कावेरी तमिलनाडु वगैरह में, वहां पे जो जल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, उस पर ये एडिटोरियल है। द रियल इशू विद द कावेरी वाटर्स अथॉरिटी। बच्चों, ये पढ़ना सीखें आप, देखें, यानी द रियल इशू अभी भी वर्ब नहीं आई है, विद द कावेरी वाटर्स अथॉरिटी अभी भी नहीं आई है, अब आई है। अब ये आप जाने कि इस किसके लिए है, जो प्रोनाउन के मतलब प्रीपोजिशन के पहले है। प्रीपोजिशन के पहले क्या है, द रियल इशू। तो द रियल इशू क्या है बच्चों, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहां पे क्या ली गई आपको, सिंगुलर ली गई इस इशू की वजह से, ठीक है। दैट इज रडरलेस, रडरलेस मीन्स विदाउट एनी स्ट्रेटजी। जब हमारे पास कोई रणनीति नहीं होती है तो हम रडरलेस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, वैसे रडर समझते होंगे, पतवार को कहते हैं। तो जिस नाव की कोई पतवार नहीं है वो किसी तरफ जा सकती है, तो जिस व्यक्ति या जिस संस्था की कोई रणनीति नहीं होती है वो किसी भी तरफ जा सकता है। सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारे पास है, ये बच्चों है वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैब। पहला वर्ड हमारा जो है, आप देख रहे होंगे, पहला वर्ड ही है रडरलेस, मीन्स विदाउट एनी स्ट्रेटजी। कोई रणनीति जब कोई नहीं होती किसी की, तो वह रडरलेस होता है, मीन्स बिना रणनीति के। दूसरा वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल क्या होता है, कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन, जो चीज बिना किसी बाधा के लगातार चलती रहती है वो पेरेनियल है, मीन्स निरंतर, लगातार। नेक्स्ट वर्ड है कारपोरेट। कारपोरेट समझते होंगे, नॉर्मली उद्योग जगत से संबंधित होता है, लेकिन यहां नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर्मड इनटू अ यूनिफाइड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिल करके जिस निकाय या संस्था का निर्माण करते हैं वो कारपोरेट कहलाता है, मीन्स निगमित। नेक्स्ट वर्ड है डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेट समझते होंगे, किसी को नामित करना, मैं उसे डेजिग्नेट करना, तो उसी को एडजेक्टिव बना दिया डेजिग्नेटेड, यानी जो नामांकित हो, नामित हो, वो डेजिग्नेटेड होता है, मींस अपॉइंटेड टू अ स्पेसिफाइड ऑफिस और पोस्ट, यानी जो किसी विशेष ऑफिस या पोस्ट के लिए अपॉइंट नियुक्त हुआ हो, नामित हुआ हो, वो डेजिग्नेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर प्रीसीड से बना, जो पीछे हमारे होते हैं वो हमारे प्रेडिसेसर्स होते हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती होते हैं, मीन्स वन दैट प्रीसीड्स, जो पूर्ववर्ती हमारे हैं वो प्रेडिसेसर्स होते हैं, तो पूर्ववर्ती। नेक्स्ट वर्ड आपका है फॉर्मलाइजेशन, किसी चीज को फॉर्मल बना देने की क्रिया, औपचारिक बना देने की क्रिया, और ये क्रिया आप कैसे कर सकते हैं, विधि संगत तरीके से, कानूनी तरीके से। तो फॉर्मलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फॉर्मल, यानी किसी चीज को फॉर्मल बनाने की जो क्रिया है वो फॉर्मलाइजेशन होती है, मीन्स विधि संगत बनाने की क्रिया, किसी चीज को अमली जामा, सही चीज बना देने की क्रिया फॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों फुल फ्लेश्ड। फुल फ्लेश्ड जो पूर्ण विकसित हो, पूर्णकालिक हो, हमेशा के लिए हो, वो फुल फ्लेश्ड होता है, मीन्स कंप्लीटली डेवलप्ड, जो पूरी तरह से विकसित हो चुका हो, फुल फ्लेश्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है एलियनेट। अक्सर
लोग लोगों को एलियनेट कर देते हैं, मीन्स अपने से अलग कर देते हैं, उन्हें पराया बना देते हैं। तो एलियनेट टू मेक अनफ्रेंडली, किसी को आप अपनी मित्रता की सूची से हटा दें, हॉस्टाइल उसको दुश्मन बना लें अपना, और इंडिफरेंट या बिल्कुल उदासीन हो जाए तो आपने उसे एलियनेट कर दिया, मीन्स क्या कर दिया आपने, उसे पराया कर दिया, अलग कर दिया अपने आप से। और ये दो वर्ड्स बच्चों और हैं, पहला है रिलेंटलेस, जब आप बिना रुके सतत निरंतर कोई कार्य करते रहें, उसमें आपके कार्य की गर्मी में मीन्स तीव्रता में, इंटेंसिटी में, सीवियरिटी में कोई कमी ना आए तो आप रिलेंटलेस हैं, ठीक है। तो रिलेंटलेस शोविंग आर प्रॉमिसिंग नो अबेटमेंट, अबेटमेंट मीन्स कमी, नो अबेटमेंट ऑफ सीवियरिटी, किसी चीज की गंभीरता में, तीव्रता में अगर कमी नहीं आ रही है तो वह रिलेंटलेस है। और स्टेक होल्डर्स मीन्स शेयर धारक, हितधारक मीन्स वो लोग जो किसी एंटरप्राइज में क्या लिए हो, शेयर लिए हो, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ये 10 वर्ड्स हमारे पास हैं बच्चों, कौन से 10 वर्ड, स्टेक होल्डर्स जिन्होंने किसी कंपनी वगैरह के शेयर वगैरह लिए हो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वैसे किसी पार्टी को भी स्टेक होल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट रिलेंटलेस मीन्स जब आप बिना कि कमी दिखाए, आपकी सीवियरिटी में, आपकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आ रही हो तो आप रिलेंटलेस हैं, लगातार आप उस चीज को कर रहे हैं। एलियनेट मीन्स पराया कर देना, मीन्स किसी को अलग कर देना अपने से। फुल फ्लेज्ड जो पूर्णकालिक हो, हमेशा के लिए हो, विकसित हो चुका हो। फॉर्मलाइजेशन किसी चीज को फॉर्मल यानी औपचारिक बना देने का कार्य। प्रेडिसेसर्स जो हमारे हमको प्रिसीड करते हैं, हमें सबसे पहले के लोग हों वो हमारे प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती हैं। डेजिग्नेटेड जिन्हें नामित किया गया हो, नियुक्ति दे दी गई हो, वो डेजिग्नेटेड हैं। कारपोरेट मीन्स कोई निगमित इंडिविजुअल्स जिन्होंने मिलकर के कारपोरेट बनाया हो। पेरिनियल मीन्स जो निरंतर लगातार हो, उसमें किसी प्रकार का इंटरप्शन न पड़ता हो। और रडरलेस हो जिसकी कोई स्ट्रैटेजी ना हो, प्लान ना हो, वो रडरलेस होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारी एक सिंगल ग्रामर टिप है जो जल्दी से देख लें, इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, फिर वर्ब ले रहे हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या ले रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं आप, लेकिन ऑब्जेक्ट वही है नाउन या प्रोनाउन जो उसका सब्जेक्ट है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट किस रूप में लेना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आई हर्ट मी, ये जो मी है ऑब्जेक्ट, ये कौन है, ये आई ही तो है, तो कभी भी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है बच्चों, उसे किस केस में ले जाते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो आई हर्ट मी गलत है, आई हर्ट माई सेल्फ हो जाएगा। दे कर्स्ड देम, अगर उन्होंने खुद को कोसा, खुद को गालियां दी, तो देख दे ही तो देम है ना यहां पे, तो अगर हम दे को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देम के रूप में ले रहे हैं तो गलत है, हमें क्या लेना होगा, दे कर्स्ड देम सेल्फ्स, उन्होंने खुद को कोसा, ठीक है। ये ग्रामर टिप है मेरी, ऊपर वर्ड्स आपने पढ़े, और अब हम सीधे आते हैं, ये हमारा एडिटोरियल आज का है। करें ऑफ कोर्स वास्तव में आन कावेरी वाटर इशू, यानी कावेरी का जो पानी विवाद है, जल विवाद है, उस पर ये लिखा गया है। द रियल इशू यानी जो वास्तविक मुद्दा है, विद द, देखिए नदी का नाम है ना बच्चों, तो द लगाया गया, विद द कावेरी वाटर्स अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, प्राधिकरण कोई होता है ना, से, तो जो वास्तविक मुद्दा है विद द कावेरी वाटर्स अथॉरिटी यानी कावेरी जल प्राधिकरण के साथ, यानी कावेरी जल प्राधिकरण के साथ जो वास्तविक मुद्दा है, इज वो है, क्या है बच्चों, दैट की इट इज रडरलेस, कि वो जो कावेरी वाटर्स अथॉरिटी है वो रडरलेस है, मीन्स क्या है, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी प्रॉपर प्लान है, मीन्स उसकी कोई रणनीति नहीं है, और यही रियल इशू है, मीन्स क्या है, वास्तविक मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं, द कावेरी इज अ
पेरेनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, एक वर्ड तो याद ही हो गया होगा, पेरेनियल मीन्स जो कंटिन्यू होता विदाउट इंटरप्शन वो पेरेनियल होगा लगातार। कंट्रोवर्सी जानते होंगे बच्चों, कंट्रोवर्सीज मीन्स विवाद होता है, ठीक है। तो द कावेरी इज अ पेरेनियल सोर्स, ने जो कावेरी है वो एक लगातार माध्यम बना हुआ है, जरिया बना हुआ है ऑफ कंट्रोवर्सीज, किससे, इसका विवादों का, यानी जो कावेरी नदी है वो विवादों का लगातार क्या बनी हुई है, जरिया बनी हुई है, माध्यम बनी हुई है, समझ रहे हैं। द लेटेस्ट, लेटेस्ट लेट का सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री की वजह से यहां क्या लगाया गया, द लगाया गया। द लेटेस्ट पॉलिटिकल रो, यानी ये जो हाल ही का सबसे हाल का पॉलिटिकल रो है, यानी राजनीतिक कहानी है, टू इरप्ट इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में इरप्ट हो रही, मीन्स उपज रही है, पनप रही है, इज अराउंड द सेंटर्स अप्रैल 24 नोटिफिकेशन। वो कहानी क्या है बच्चों, अराउंड द सेंटर्स अप्रैल 24 नोटिफिकेशन है, जो सेंटर ने 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया, तो सूचना जारी किया था, उसको लेकर के अराउंड मीन्स उसको लेकर के तमिलनाडु में एक राजनीतिक बवाल क्या हो रहा है, इरप्ट शुरू हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। फिर से देखें, द कावेरी इज अ पेरेनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, इसमें तो कोई बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कावेरी लगातार विवादों का माध्यम बनी हुई, जरिया बनी हुई है। द लेटेस्ट पॉलिटिकल रो, जो सबसे हाल का यानी हालिया जो राजनीतिक प्रपंच है, बवाल है, टू इरप्ट इन तमिलनाडु, जो कहां शुरू होना है, तमिलनाडु में शुरू होने वाला है, इज अराउंड द सेंटर्स अप्रैल 24 नोटिफिकेशन, वो किसके बारे में है, सेंटर के द्वारा मीन्स केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 24 तारीख को, अप्रैल 24 को, उसको लेकर के है, जो नोटिफिकेशन ब्रिंगिंग, समझ रहे हैं बच्चे, अर्थात विच इज ब्रिंगिंग, यही सेंस होगा ना, विच इज ब्रिंगिंग द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी जो नोटिफिकेशन है, सूचना है, ब्रिंगिंग यानी वो ले आ रही, विच इज ब्रिंगिंग यानी अपने अधीन कर रही है, द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, यानी CWMA को, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, किसके अधीन कर रही बच्चों, वो प्रशासनिक कंट्रोल के अधीन कर रही है, ऑफ कौन से प्रशासनिक कंट्रोल के, ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जो केंद्रीय मंत्रालय है, जो जल शक्ति का केंद्रीय मंत्रालय है, उसके प्रशासन के नियंत्रण में अब कावेरी वाटर मैनेजमेंट को लाया जा रहा है, किसके द्वारा लाया जा रहा है बच्चों, इस नोटिफिकेशन के द्वारा। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये वो नोटिफिकेशन है जो 24 अप्रैल को केंद्र के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है, समझ रहे होंगे। विच, विच किसके लिए बच्चों, ये जल शक्ति के लिए है ना, जो मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, कह रहे विच वाज क्रिएटेड, जो जल शक्ति का मंत्रालय क्रिएटेड यानी बनाया गया था अ ईयर एगो, कब, एक साल पहले, बच्चों ध्यान देखें, अ ईयर एगो है ना, तो यहां देखिए विच वाज क्रिएटेड यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, जिसका निर्माण किया गया था, जिसे बनाया गया था अ ईयर एगो, एक साल पहले, बाई, कैसे बनाया गया था बच्चों, कंबाइनिंग टू मिनिस्ट्रीज, यानी दो मंत्रालयों को कंबाइन करके, मिला करके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, और अभी कब किया गया था, अ ईयर एगो, एक साल पहले। चलिए आगे देखते हैं, सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, समझ रहे होंगे सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल आता है, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली, देखिए किसी एक की उसमें बात की जा रही है तो इसलिए ईएस लगा दिया गया, ठीक है, यानी बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, स्पेशली द अपोजिशन, विशेष रूप से कौन, जो विपक्ष है, यहां विपक्ष की बात की जा रही है इसलिए यहां पे ओ कैपिटल किया गया, विशेष रूप से जो विपक्ष है, एंड और सम फार्मर्स एसोसिएशन, देखिए बच्चों फार्मर्स प्लूरल है ना, ध्यान से देखें, फार्मर्स प्लूरल है इसलिए यहां फार्मर्स पर केवल
एपोस्ट्रॉफी दिया गया, ठीक है, यानी विशेष रूप से जो अपोजिशन है, और सम फार्मर्स एसोसिएशन और कुछ जो किसानों के संगठन है वर, वो लोग वर अपसेट, क्या थे, बिल्कुल अपसेट थे, मीन्स परेशान थे विद द नोटिफिकेशन, किस चीज को लेकर के, उस नोटिफिकेशन सूचना को लेकर के, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड मीन्स इस बिना पर, यानी इस कारण से, कौन से कारण से, दैट की द मूव, जब भी मूव के पहले द लग जाए तो उस मूव मीन्स कदम हो जाता है, यानी वो इसलिए परेशान थे कि द मूव, कि ये जो कदम है, कौन सा कदम, सरकार का ये जो कदम है, हैज रिड्यूस्ड, उसने कम कर दिया है द अथॉरिटी, यानी उस कावेरी जो जल शक्ति, जल का पूरा अथॉरिटी था प्राधिकरण, उसको उसने रिड्यूस कर दिया, उसकी शक्तियों को कम कर दिया है टू अ पपेट ऑफ द सेंटर, कि जैसे अब वो अथॉरिटी क्या बन के रह गई हो बच्चों, पपेट, कठपुतली बन के रह गई हो, किसकी, द सेंटर मीन्स केंद्र सरकार के। देखिए दे प्वाइंट, यानी वो जो अपोजिशन है और भी जो पार्टियां हैं, दे प्वाइंट आउट, प्वाइंट आउट मीन्स संकेत करना, बताना, दे प्वाइंट आउट, वो कहते हैं दैट की द CWMA, CWMA मतलब समझ रहे हैं बच्चे, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये जो वो कहते हैं कि जो CWMA है, वाज क्रिएटेड, उसका निर्माण किया गया था ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स निर्देश, किसके निर्देश पर, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसका निर्माण किया गया था इन फेब्रुवरी 2018, कब, 2018, यानी विपक्ष कह रहा है, पार्टियां कह रही हैं कि जो CWMA है उसका निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 2018 में, इट इज आल्सो आर्ग्यूड, ये भी तर्क दिया जा रहा है दैट की, ये पैसिव फैस का स्ट्रक्चर है बच्चों, इट इज आल्सो आर्ग्यूड दैट बिटवीन जून 2018 टू मे 2019, यानी जून 2018 से मई 2019 तक, व्हेन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जब यूनियन मिनिस्ट्री मीन्स केंद्रीय मंत्रालय ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, यानी जल संसाधन का जो केंद्रीय मंत्रालय था, वाज इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में था, तो देयर वाज नो पब्लिक नोटिफिकेशन, उस समय कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई ऑन द CWMA, किसको लेकर के, CWMA को लेकर के, बीइंग डेजिग्नेटेड, जब उसे डेजिग्नेट किया जा रहा था, नामांकित किया जा रहा था एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अंडर द मिनिस्ट्री, जो कि उस मिनिस्ट्री के अंदर ले आया जाना था, ठीक है, इसी लाइन समझ सकते हैं बच्चों, आप इसे दो बार तीन बार पढ़ा करिए, किसी भी टीचर्स पूछेंगे वो कहेंगे कि आप एडिटोरियल को दो तीन बार पढ़िए, हर अगली बार आप बेहतर कर सकते हैं। देखें बच्चों आगे, करें सच एन आर्ग्यूमेंट, यानी इस प्रकार का जो तर्क है इज अ वीक, वो क्या है तर्क बच्चों, कमजोर तर्क है, एज एज मीन्स क्योंकि, द CWMA, क्योंकि वो जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि एक निकाय के रूप में है, हैज बीन वर्किंग, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन वर्किंग, वो कार्य करती रही है ऑल अलोंग, पूरे समय भर, अंडर द मिनिस्ट्री, किसके अधीन, मंत्रालय के अधीन, इवन इन द केस ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, यहां तक कि अपने पूर्ववर्ती के मामले में भी, इवन मीन्स मैंने बताया था ना भी, यानी अपने पूर्ववर्ती के मामले में भी, कौन से पूर्ववर्ती, द कावेरी रिवर अथॉरिटी, जिसका निर्माण 1998 से 2013 तक है, यानी अपने पूर्ववर्ती कावेरी रिवर अथॉरिटी जो थी, उसके केस में भी विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, जिस अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द बेसिन स्टेट्स, और जो 11 घाटी के राज्य हैं, उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे एज मेंबर्स, उस कावेरी रिवर अथॉरिटी क्या थे, सदस्य थे, उस समय भी
द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन का जो केंद्रीय मंत्रालय है, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उस समय भी उसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ करता था, प्रशासनिक नियंत्रण हुआ करता था। इन फैक्ट, वास्तव में द सी डब्ल्यू एम ए, देखिए संस्था है तो इसके पहले द लगाया गया, द सी डब्ल्यू एम ए हैज हैड, समझ रहे बच्चों, ये जो हैज है ना वो हेल्पिंग वर्ब और ये हैड जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो जो सी डब्ल्यू एम ए है वास्तव में हैज हैड ओनली अ पार्ट टाइम हेड, उसका क्या रहा है, केवल एक पार्ट टाइम हेड रहा है, यानी अंशकालिक मुखिया रहा है, द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, जो क्या कौन रहा है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन था सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन है, अर्थात इसके पूर्णकालिक कोई अध्यक्ष रहे ही नहीं है। अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री, जो सीडब्ल्यूसी किससे जुड़ी हुई है, मंत्रालय से जुड़ी हुई है, यहां जैसा आप बनाना चाहें तो विच वाज अटैच्ड या विच इज अटैच्ड ऐसे हो जाएगा। बिसाइड्स, ये बिसाइड्स है बच्चों एडवर्ब के रूप में काम करता है, इसके अलावा, इसके अलावा देयर आर एट इंटर स्टेट रिवर वाटर बोर्ड्स, यानी आठ अंतरराज्यीय रिवर वाटर बोर्ड्स हैं, यानी जो नदी से संबंधित बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड्स हैं, अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री, किसके अधीन, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आठ अंतरराज्यीय रिवर वाटर बोर्ड्स हैं, एलांग विद मीन्स के साथ, एलांग विद द सी डब्ल्यू एम ए, यानी सी डब्ल्यू एम ए के साथ साथ फोर अदर बॉडीज, चार अन्य जो निकाय हैं, इंक्लूडिंग द कृष्णा, जिसमें कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स, यानी चार अन्य जो निकाय हैं जिसमें शामिल है, कौन शामिल है, कृष्णा एंड द, देखिए द कृष्णा है नदी एंड द गोदावरी है नदी, तो जो द कृष्णा एंड द गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं, ये उन चारों में शामिल होकर के विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, जिनका अस्तित्व रहा है, जिन चारों बोर्ड्स का, सॉरी बॉडीज का, निकायों का अस्तित्व रहा है सिंस 2014, कब से, 2014 से, फॉलोइंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, कब से, जब आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया, पुनर्गठित किया गया था, उसके बाद ये चारों बॉडी जो निकाय हैं वर डेजिग्नेटेड, ये किसके लिए बच्चों है, ये जो चार निकाय हैं वर डेजिग्नेटेड, उन्हें नामित किया गया था टू बी अंडर द मिनिस्ट्री, कि वो भी किसके अधीन रहेंगे, मंत्रालय के ही अधीन रहेंगे, कौन से मंत्रालय के, जो जल शक्ति का मंत्रालय है बच्चों। द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सी डब्ल्यू एम एस स्टेटस, यानी आज जब सी डब्ल्यू एम एस के स्टेटस को, यानी उसके अस्तर को फॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, यानी उसकी अवस्था को जब विधि संगत बनाने की कोशिश की जा रही है, करेक्ट, ये चीज सही साबित करती है एन एपरेंट लैप्स, कि कहीं कहीं एक अस्पष्ट लैप्स था, कमी थी ऑन द मिनिस्ट्रीज पार्ट, किसकी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, एंड और एड्रेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, और इससे पता चलता है कि कहीं कहीं कुछ न कुछ प्रशासनिक मुद्दे बने हुए थे, ठीक है। चलिए बच्चों पढ़ते चले, बच्चों समझते जाए, दो बार तीन बार पढ़िएगा आप। Apart from, बढ़िया लाइन बच्चों, apart from means से अलग, apart from meeting the procedural requirement, यानी अगर हम procedural requirement की meeting से अलग सोचें, यानी apart from meeting the procedural requirement, यानी जो वैधिक आवश्यकता है इसको meeting, यानी इसका सामना करने, यानी इस चीज के होने से अलग, the notification does not, ये जो notification है, in any way, किसी भी तरह से does not alter the character, वह चरित्र को alter नहीं करती, means उसको बदलती नहीं, alter means change करना,
उसे बदलती नहीं है, फंक्शंस उसके फंक्शंस को नहीं बदलती है, आर पावर्स ऑफ द CWMA और न ही CWMA के पावर को बदलती है, दैट जो फॉर्म पार्ट ऑफ स्कीम जो कि उस एक स्कीम यानी योजना के हिस्से को जन्म देते हैं, बनाते हैं, ड्रान अप जिस स्कीम का निर्माण किया गया था अ फ्यू इयर्स एगो, कब, कुछ सालों पहले, एंड और विच वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव भी किया गया था, मीन्स अपनी सहमति भी दी गई थी, मान्यता भी प्रदान की गई थी। कुछ लाइनें और हैं बच्चों, इफ देयर इज एनीथिंग, यदि कोई भी ऐसी चीज है, द सेंटर कैन बी ब्लेम्ड फॉर, जिस चीज के लिए सेंटर को दोषी ठहराया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है बच्चों, क्योंकि पैसिव वॉइस है, जिस चीज के लिए सेंटर को दोषी ठहराया जा सकता है, तो इट इज वो है, क्या है वो, द वे, वो तरीका, अथॉरिटी, सॉरी, द वे द CWMA फंक्शन, जिस तरीके से CWMA फंक्शंस मींस कार्य कर रहा है, इस चीज के लिए आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। इवन टू ईयर्स यानी दो साल बीत चुके हैं आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, CWMA के फॉर्मेशन को यानी उसके निर्माण को, बनने को, द अथॉरिटी डज नॉट हैव अ फुल फ्लेज्ड चेयरमैन, और दो वर्ष बीत चुके हैं फिर भी अथॉरिटी यानी प्राधिकरण के पास एक फुल फ्लेज्ड चेयरमैन नहीं, मीन पूर्णकालिक चेयरमैन यानी अध्यक्ष नहीं है, किसके, उस बोर्ड अथॉरिटी के। द सेंटर वुड डू वेल टू एक्ट, यानी सेंटर जो है वुड डू वेल यानी सही से कार्य करेगा, टू एक्ट यानी अपनी भूमिका को निभाने के लिए, एट लीस्ट नाउ, कम से कम अब, इन मेकिंग द CWMA फुली ऑपरेशनल, कि वो CWMA को फुली ऑपरेशनल यानी पूरी तरह से कार्य करने के योग्य बनाएगा, वेन, जब द साउथ वेस्ट मानसून, जब दक्षिण पूर्वी जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो मानसून है, इज अबाउट टू होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चों, सेट इन, आरंभ, नहीं, जब दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून आरंभ होने वाला है, तो इस अवस्था में केंद्र सरकार कम से कम अब CWMA को फुली ऑपरेशनल करेगी, यानी इतना अधिकार देगी, ऐसी सुविधा देगी, वो पूरी तरह से कार्य करेगा। करें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जो लगातार आने वाली सरकारें हैं एट द सेंटर, कहां, सेंटर में जो लगातार जो सरकारें आई हैं, हैव बीन वैरी, वो सतर्क रही हैं, वैरी मीन्स बच्चों सतर्क, केयरफुल, अलर्ट, विजिल, विजिलेंट कह सकते हैं, वो सतर्क रही हैं ऑफ एक्टिंग डिसाइसिवली, किस, कैसे कार्य करने के लिए, डिसाइसिवली निर्णायक तौर पे एक्टिंग यानी कार्य करने के लिए, अदर देन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है, अदर देन हो सकता है कि अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन ही ऐसा कर रही हो, फॉर फियर ऑफ एलियनेटिंग वोटर्स, कि कहीं उन्हें वोटर्स को खो न देना पड़े, एलियनेट न करना पड़ जाए, इस भय के कारण इन वन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों में से एक राज्य में इन्वॉल्वड, जो इस विवाद में क्या है, शामिल है। बच्चों लास्ट लाइन है, देख लें, फ्रेंड द लेटेस्ट एपिसोड, ये जो हाल का एपिसोड है, घटना है, शुड कन्विंस पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज को निश्चित ही विश्वास दिलानी चाहिए, दैट की रिलेंटलेस पॉलिटी से और आइजेशन जोड़ दे, यानी पॉलिटीजाइजेशन या पॉलिटीजाइजेशन, यानी जो रिलेंटलेस पॉलिटिसाइजेशन है, उस पॉलिटिसाइजेशन में ऑफ ईच एंड एवरी मैटर, कि वो हर चीज का राजनीतिकरण न करें बच्चों, पॉलिटिसाइजेशन न करें, कंसर्निंग वाटर रिसोर्सेज, जो मैटर जल संसाधन से कंसर्निंग संबंधित हो,
डज नॉट बेनिफिट द स्टेक होल्डर्स, और सबसे बड़ी चीज इससे इसके हितधारकों को कोई फायदा भी बेनिफिट भी नहीं होने वाला है। द पार्टीज शुड रियलाइज, इन पार्टीज को ये महसूस करना चाहिए दैट की इलेक्टोरल गेन्स के जो राजनीतिक फायदे हैं आर लॉसेज या जो आपके नुकसान हैं आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड, वो हमेशा जुड़े ही नहीं रहते हैं टू देयर स्टैंड उनकी सोच से ऑन एनी वन इशू किसी भी एक मुद्दे पर, इवन इफ भले ही इट इज द कावेरी, भले ही वो मुद्दा किसका हो, कावेरी का ही क्यों न हो, द लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु राइस बाउल, जो तमिलनाडु के राइस बाउल, समझते हो क्यों कहा जा रहा है, राइस बाउल की लाइफ लाइन है यानी जीवन है उसका, जीवन की राह है, उस कावेरी पर किसी प्रकार की पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश नहीं होगी, राजनीति करने की कोशिश नहीं होगी, अब हम इस चीज का विश्वास कर सकते हैं। मैं जानता हूं बच्चे चीजें मैंने थोड़ी सी फास्ट पढ़ाई, एक्चुअली रेगुलर मेहनत सुबह से लगातार ये सारी, आप सोचते होंगे बच्चों सुबह 9 से 10, 6 से 7 और 7 से 8 बैच चल रहे, बड़ी लगातार बैचेस आ रहे हैं, और अभी इस समय रात में मैं इस समय 8:58-9 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और अभी 12-1 बजे तक इसको सारा एडिटिंग और फिर इसकी अपलोडिंग वगैरह होगी, कहीं कहीं थोड़ा सा ही शायद टायर्डनेस हो जाती, थकान हो जा रही, फिर भी चलिए आगे मैं ध्यान रखूंगा, और कल आज शाम को 6 से 7 एक्सरसाइज करना ना भूलें, जरूर करें, और शाम 7 से 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हुआ है उसे आप जरूर तैयार कर लें क्योंकि वो आपके काम आएगा बच्चों, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं, सॉरी, थैंक यू।